कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एएलयू में दूसरा टॉपिक देखने जा रहे हैं, दिस इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का फ्लो चार्ट, एल्गोरिदम, हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन, न्यूमेरिकल किस तरह से किए जाते हैं और क्या क्या मेथड्स हैं, उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का मल्टीप्लिकेशन का पार्ट। तो मल्टीप्लिकेशन हमारा कैसे होता है उसके बारे में हम जानते हैं। जैसे ये नंबर है हमारे पास, है ना, तो इसको अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, पहले वन को, है ना, आप इस पूरे सारे डिजिट में मल्टीप्लाई करके और यहाँ पर लिखते हैं। फिर आप क्या करते हैं, फिर उसके बगल वाला जो मल्टीप्लायर का दूसरा वन है ना, उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बगल में इस तरह से लिखते चले जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बगल वाले डिजिट को इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं और एक एक शिफ्ट कर रहे हैं आप, है ना, आप देखेंगे तो एक एक बिट आप शिफ्ट करते चले जा रहे हैं। तो ये जो हमारे पहला नंबर है उसको आप बोलते हैं मल्टीप्लिकेंट, दूसरे वाले नंबर को आप बोलते हैं मल्टीप्लायर, और जो ये आपके मल्टीप्लिकेशन आपको मिल रहे हैं इन सबको आप बोलते हैं पार्शियल प्रोडक्ट वन, पार्शियल प्रोडक्ट टू, पार्शियल प्रोडक्ट थ्री, पार्शियल प्रोडक्ट फोर, और इनको फिर हम सम कर देते हैं तो आपको जो फाइनल रिजल्ट मिलता है दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट, ये हमको मिलता है। तो ये हमारा कैसे बाइनरी के लिए कैसे डिजाइन किया जाए इसके बारे में हमको सोचना रहता है। तो इसको अगर ध्यान से देखें तो अगर हम जीरो में जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो में वन को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा, वन में जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा, लेकिन वन में वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आएगा। तो बेसिकली ये क्या है, ये एंड गेट का काम कर रहा है। आप दो बिट्स का एंड करिए ए और बी का, है ना, तो एंड करने पर उसका आउटपुट आपको मिलेगा ए बी। ये मल्टीप्लिकेशन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि केवल दो ही यहाँ पर लॉजिक अवेलेबल, एक वन है दूसरा जीरो है, तो मल्टीप्लाई करने पे आपको आउटपुट जीरो मिलेगा अगर एक भी इनपुट आपका जीरो रहेगा। अगर दोनों ही इनपुट हमारे वन हो जाएंगे तो आउटपुट आपको वन मिलेगा। तो इस तरह से हम इसको डिजाइन कर सकते हैं, है ना। तो हम एक तो एंड गेट का यूज करेंगे और दूसरा हम इसमें क्या यूज कर सकते हैं, एडर का यूज कर सकते हैं जहां पर एडिशन परफॉर्म होगा और उसके बाद आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलना है। तो तीन तरह के हमारे मल्टीप्लिकेशन मेथड्स हैं जो जिसे हमें पढ़ना होता है, एरे मल्टीप्लिकेशन, एड शिफ्ट मल्टीप्लिकेशन, ये इसको आप इस दूसरे नाम से अनसाइंड मल्टीप्लिकेशन के नाम से भी जान सकते हैं, और तीसरा जो होता है आपका बूथ मल्टीप्लिकेशन या बूथ एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं, जो आपका साइंड बिट मल्टीप्लिकेशन है, साइंड मल्टीप्लिकेशन, ओके। ये तीन मेथड्स हमको पढ़ने हैं, एक एक करके हम तीनों को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एरे मल्टीप्लायर, यूजिंग एरे मल्टीप्लायर, एरे मल्टीप्लायर की बात करेंगे, एरे मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। एरे मल्टीप्लायर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसको आपने एरेज ऑफ फुल एडर एंड हाफ एडर्स और एंड गेट, इनकी सहायता से आपने डिजाइन किया हुआ है ना, इसीलिए इसको एरे मल्टीप्लायर बोलते हैं। बाद में आप हाफ एडर फुल एडर को रिप्लेस करके उनको 4 बिट पैरेलल एडर की सहायता से भी आप इसको कर सकते हैं, है ना। तो अगर हम पैरेलल एडर, ये आपका मल्टीप्लायर सर्किट की बात करें, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए मान लीजिए हमारे पास एक नंबर ए है जिसको आपने ए वन ए नॉट बोला और दूसरा नंबर बी है जिसको आपने बी वन बी नॉट बोला। इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला क्या आएगा, बी नॉट ए नॉट, है ना, फिर दूसरा क्या आएगा, बी नॉट ए वन, है ना, फिर बी वन को मल्टीप्लाई करिए तो बी वन ए नॉट और बी वन ए वन, ऐसा हमको मिलेगा। फिर ये दोनों का सम भी होगा यहाँ पर, है ना, ये तो सीधे सीधे प्रोडक्ट मिल गया और इस सम से जो कैरी आएगा वो यहाँ पर ऐड होगा। बस समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो वही चीज है, जो यहाँ पर पी नॉट हमको मिलेगा तो सीधे सीधे आपका बी नॉट ए नॉट हो गया, लेकिन पी वन आपका क्या होगा, इन दोनों का सम होगा। अब दोनों बिट्स जीरो जीरो हो सकते हैं, वन भी हो सकते हैं, तो मान लीजिए वन वन है तो ऐड करते थे कैरी भी यहाँ पर जनरेट होगा। ये जो कैरी यहाँ पर आ रहा है ये बी वन ए वन के साथ ऐड होकर पी टू देगा, तो पी टू की वैल्यू क्या होगी, बी वन ए वन प्लस कैरी फ्रॉम द पी वन, और यहाँ पर एडिशन के बाद जो कैरी आएगा वो पी थ्री होगा हमारा। तो पी थ्री हमारा क्या होगा, जो पी टू से हमको कैरी मिल रहा है वो पी थ्री हमारा होगा। इस तरीके से आप इसको, और यहाँ पर दो पार्शियल प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट हमारा ये है और दूसरा प्रोडक्ट हमारा ये है, इन दोनों को सम करेंगे तो हमको कुछ मिलेगा। तो अगर हम कोई नंबर ले लें ए थ्री ए टू ए वन ए वन आठ, चार नंबर हैं हमारे, तो मान लेते हैं हमारा इनिशियल सम जीरो रहा होगा। अब हम सीधे सीधे कैलकुलेशन की बात करते हैं, मान लीजिए इनिशियल सम हमारा जीरो है, उसके बाद अब हम क्या करते हैं, हम इनको एंड करते हैं, तो एंड करेंगे बी नॉट को बाकी सारे बिट्स के साथ तो ये हमको मिलेगा। अब ये हमको मिला तो हम इनिशियल जीरो ही मानकर चल रहे हैं, तो ये हमारा पहला सम हमारा यही आ गया, ये प्रोडक्ट टर्म हो गया, फाइनल प्रोडक्ट होगा ये, है ना, फाइनल प्रोडक्ट टर्म, ओके।
अब ये सारे हमारे प्रोडक्ट टर्म है, ये प्रोडक्ट है, यहाँ भी प्रोडक्ट है, यहाँ भी प्रोडक्ट है, और बल्कि आप इसको सम ही कह लीजिए क्योंकि ये दो प्रोडक्ट टर्म से सम होने के बाद ही आपको मिल रहा है। अच्छा अब देखिए ये हमारा फाइनल सम जो हमारा आ रहा है या फाइनल प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, सो देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, दिस विल बी द रिजल्ट ऑफ द मल्टीप्लीकेशन। तो ये हमारा आया, पी नॉट की वैल्यू क्या हो गई हमारी, बी नॉट ए नॉट हो गई। अच्छा इसी तरह से यहाँ पर जो आपका बी नॉट ए वन होगा वो एस वन, मान लीजिए कोई सम आपका मिला एस वन। अब जब आप अगले बिट पर जाएंगे बी वन को आप मल्टीप्लाई करेंगे, बी नॉट ए नॉट, बी वन को ए नॉट, बी नॉट बी वन ए वन, बी वन ए टू, बी वन ए थ्री, ये सारे हमको मिले। तो अब ये जो हमारा टर्म था ये दोनों टर्म आपस में सम होंगे तो पी वन हमको मिल जाएगा प्रोडक्ट, है ना, क्योंकि आपको पता है सेकेंड वाले में दो दो बिट्स को आप सम करेंगे तो पी वन आपको मिल जाएगा। और जो कैरी बिट होगा वो ट्रांसफर होगा इस डायरेक्शन में, ये कैरी एस टू और बी वन ए वन के साथ सम होगा। अब ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कि एक बिट हमारा यहाँ से जा रहा है कैरी, एक बिट हमारा पहले से प्रेजेंट है और एक बिट अभी हमारा आ गया, तो ये तीन बिट को ऐड करने के लिए हमको फुल एडर की जरूरत पड़ेगी, है ना, क्योंकि हमारा जो फुल एडर सर्किट है उसमें हम ए बी और सी तीनों ही अप्लाई करते हैं, क्लियर है कि नहीं। अरे तीनों के साथ आउटपुट आपको क्या मिलता है, एक सम मिलता है, दूसरा कैरी मिलता है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर फुल एडर की जरूरत पड़ेगी, जबकि इसके पहले वाले स्टेज में केवल हाफ एडर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि पीछे से कोई कैरी बिट हमको नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से आप एक एक करके इन सबको डिजाइन कर सकते हैं। तो ये आपका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का तरीका यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको देखते हुए हम एक एक चीज को डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें, ए नॉट बी नॉट को एंड कर दें, ए नॉट बी नॉट को हमने एंड किया और उसको हम प्रोडक्ट में हम ले आए पी नॉट, ओके। अच्छा फिर ए वन के साथ बी नॉट को एंड किया तो बी नॉट ए वन हो गया, बी नॉट ए वन हमारा ये टर्म है हमारा बी नॉट ए वन। बी नॉट ए वन के साथ जो सम हो रहा है वो है बी वन ए नॉट, यहाँ पर हमने क्या लिखा बी वन ए नॉट, और इन दोनों को हमने हाफ एडर से पास करा दिया क्योंकि कोई कैरी बिट पीछे से जनरेट नहीं हुआ है। ये दो बिट ऐड होने के बाद इसका सम प्रोडक्ट पी वन हो जाएगा जैसा यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, और एक कैरी जनरेट होगा जो बगल में चला जाएगा। ये जो कैरी हमारा जा रहा है बगल में, ये कैरी ए टू बी नॉट और ए वन बी वन, देखो ए टू बी नॉट और ए वन बी वन के साथ सम हो रहा है, इसके साथ सम होगा, इसका कुछ आपको रिजल्ट मिलेगा और एक कैरी यहां से जनरेट होगा। ये कैरी फर्दर आपका जाएगा किसके साथ ऐड होगा, बी नॉट ए थ्री के साथ और बी वन ए टू के साथ, बी नॉट ए थ्री और बी वन ए टू के साथ ऐड होगा। ये हमारा फिर फुल एडर को हमने दे दिया क्योंकि एक कैरी और दो ये बिट हो गए, इसका कुछ आउटपुट हमारा जनरेट होगा और एक कैरी जनरेट होगा। ये जो हमारा कैरी फाइनली जनरेट हो रहा है यहाँ पर, ये कैरी और बी वन ए थ्री, है ना, बी वन ए थ्री, ये दोनों हमारे क्या होंगे यहाँ पर आपका, ये हमारा बी वन है और ये हमारा ए थ्री है, बी वन ए थ्री और ये कैरी, ये दोनों हमारे ऐड होंगे, हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, ये फिर कोई रिजल्ट मिलेगा और एक कैरी यहाँ से भी जनरेट होगा। ये कैरी हमारा अगले स्टेज में जाकर सम होना है, इसको अभी बाद में देखते हैं। तो पी वन हमारा आ चुका था, एक हमारा हो गया, अब अगले स्टेज को आप देखें तो अगले स्टेज में यहां से जो हमारा ये पी वन हमारा हो चुका है, ए नॉट बी टू, ए नॉट बी टू हमारा ये है, ए नॉट बी टू को ऐड करेंगे जो आपका सम आया था इसके ऊपर वाले सेगमेंट से जो सम आया था, बी नॉट ए टू और बी वन ए वन, तो बी नॉट ए टू ये है, बी वन ए वन ये है, इसका जो सम आया था वो ए नॉट बी टू से आपका सम होगा। तो यहाँ पर सम होने के बाद आपको एक रिजल्ट मिलेगा, ये रिजल्ट हमारा पी टू हो गया, है ना, ये हमारा पी टू हो गया और यहाँ से कैरी जाएगा, ये कैरी जो उसके पहले जो हमारा सम जनरेट हुआ था उस सम में बी टू ए वन को आप सम करेंगे, तो बी टू ए वन हमारा उस प्रीवियस स्टेज में आपका ऐड हो गया, इसके फुल एडर से कुछ आउटपुट मिलेगा और एक कैरी यहाँ से जनरेट होगा जो ए टू बी टू और उसके पहले जो सम हमारा जनरेट हुआ था उन दोनों से, ए टू बी टू और उसके पहले जो सम यहाँ से हमारा जनरेट हुआ था, है ना, ये दोनों आपस में सम हो जाएंगे, इसका कुछ आउटपुट हमारा मिलेगा, वो आउटपुट हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। और उसके अगले वाले स्टेज में आपका ए थ्री बी टू, बी टू ए थ्री है और बी टू ए थ्री किसके साथ सम होगा, कैरी के साथ जो पीछे कैरी जनरेट हुआ था, तो हमारा कैरी आ गया और ये बी टू ए थ्री, चूंकि दो ही बिट है इसलिए यहाँ पर, अच्छा एक बिट यहाँ पर कैरी बिट भी जनरेट हो रहा है, तो तीन बिट हमारे हैं इसलिए फुल एडर की जरूरत पड़ेगी। और फिर इसी तरह से ये जो कैरी हमारा जनरेट होगा ये अगले स्टेज में यहाँ पर जाएगा। अच्छा इसको जरा देखिए, अब यहाँ पर हमारा जो पी टू जनरेट हुआ था वो तो हमारा फाइनल आउटपुट हो गया था, है ना, अब अगले स्टेज को देखिए, यहाँ से जो जनरेट हुआ था एक कैरी भी यहाँ से जाएगा, यहाँ पर क्या हो गया हमारा बी थ्री ए नॉट, है ना, बी थ्री ए नॉट, तो बी थ्री ए नॉट प्रीवियस सम में हमारा ऐड हो जाएगा
चूंकि कोई और बिट है नहीं, इसलिए हाफ एडर की जरूरत पड़ेगी और P3 हमारा आ गया। यहाँ से कैरी जाएगा, ये कैरी यहाँ का सम और B3A3, तो B3A1 ये सम और ये कैरी, ये तीनों मिलेंगे फुल एडर से, हमारा प्रोडक्ट टर्म आ जाएगा P4। फिर यहाँ से कैरी जनरेट होगा जो सम हमारा था और उसके साथ B3A2, तो B3A2 और जो सम हमारा आया हुआ था इसको और एक कैरी फुल एडर से पास करा दिया तो P5 हमको मिल गया। उसके बाद फिर यहाँ से कैरी जनरेट होगा, वो B3A3 और एक कैरी पहले से है ना, ये वाला कैरी हमारा आ रहा है, इसको भी ये कैरी हमारा यहाँ से जनरेट हुआ और B3A3, ये तीनों को सम करेंगे तो हमारा P6 आ जाएगा और इस फुल एडर का जो कैरी फाइनली आएगा वो P7 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है ये कैरी से आएगा, है ना। इस तरह से आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा आप देखिए, आप अगर ये पूरे एडर सर्किट को हटा दें और उसकी जगह पर केवल एक 4 बिट पैरेलल एडर, क्योंकि 4 बिट पैरेलल एडर हमारा होता क्या है, चार एडर सर्किट है, यहाँ से सीन देते हैं और सबको A1 B1 A2 B2 A3 B3 A4 B4 दे देते हैं और ये सम होने के बाद फाइनली 4 बिट का हमको सम आउटपुट प्रोवाइड करता है, जो आउटपुट यहाँ पर मिल रहे हैं 1 2 3 और 4 ऐसे मिल रहे हैं और एक कैरी आउट हमको मिलता है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप इस पूरी सर्किट को जो कि आपने डिजाइन किया है यूजिंग 4 बिट पैरेलल, ये आपने हाफ एडर फुल एडर की सहायता से डिजाइन किया है, इसको 4 बिट पैरेलल एडर की सहायता से भी डिजाइन कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इसको A0 A1 A2 A3 B0 से मल्टीप्लाई कर देंगे पहले स्टेज को। ये चार इनपुट हमने यहाँ से दे दिया है ना, जिसमें से एक पहला तो प्रोडक्ट ही हो जाता है, तो उसको इनपुट ना देकर हम चौथे इनपुट को हम क्या दे देंगे, जीरो दे देंगे यहाँ से, है ना। X3 को आप क्या दे देंगे, जीरो दे देंगे, ओके। अच्छा अब देखिए, अब यहाँ से दूसरा जो हमारा इनपुट है वो क्या है, हमारा B1A0 B1A1 B1A2 B2A3, तो B1 के साथ आप मल्टीप्लाई करके इन सबको आपने दूसरे चार इनपुट्स पर दे दिया और जो कैरी इनपुट होता है उसको आप जीरो इसलिए दे देते हैं। तो यहाँ से चार सम बिट जनरेट होंगे, तो पहला सम बिट आपका प्रोडक्ट टर्म हो गया। अब S1 को आपने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, S2 को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, S3 को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया और C आउट को चौथे इनपुट पर कनेक्ट कर दिया और फिर B2 और A3, A2, A1, A0 इन सब के कॉम्बिनेशन को आपने यहाँ पर इनपुट करा दिया और इन सबको आपस में सम कर दिया। अभी जो हमारा सम आ रहा है और Cin को हमने फिर जीरो कर दिया है ना, इनिशियल Cin को जीरो कर दिया, तब यहाँ से जो एक सम आएगा वो P2 होगा हमारा और बाकी के जो सम है उनको आपस में इस तरह से आप कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। आपको एग्जाम में पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा, पूरा सम आपको दिखाना पड़ेगा लाइंस ड्रॉ करके, है ना। इसको आप सम कर दीजिए, तो सम कर दिया। अब इस ये हमारे चार इनपुट यहाँ मिल गया और चार इनपुट आप B3 से ले लीजिए, ठीक है। तो B3 के साथ A3 A2 A1 A0 को एंड करके आपने यहाँ पर इनपुट दे दिया और इसके बाद फाइनली CI को आपने जीरो कर दिया, तो जो आपको यहाँ से 4 बिट का आउटपुट हमको और मिल जाएगा, तो बचे हुए P3 P4 P5 और P6 ये हो गए और एक सी आउट जनरेट होगा जिसको आपने P7 कहा था यहाँ पर, है ना। ये सारे बिट आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इस तरह से आप 4 बिट पैरेलल एडर की सहायता से भी अरे मल्टीप्लायर को डिजाइन कर सकते हैं। दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई कई बार पूछा जाता है 4 बिट पैरेलल एडर की सहायता से और कई बार ये पूछा जाता है हाफ एडर फुल एडर की सहायता से। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि इसमें जो जितने भी सेगमेंट्स हैं वो अलग अलग हैं, मगर आपको दोनों तैयार करना चाहिए। दूसरा जो मल्टीप्लीकेशन का मेथड है वो है एड शिफ्ट मेथड, इसको आप इस नाम से भी जानते हैं, मल्टीप्लीकेशन यूजिंग अनसाइंड बिट्स, है ना। अनसाइंड बिट्स की बात हम करते हैं, मतलब साइंड बिट्स में लेंगे नहीं, जो साइंड बिट हमारे होंगे उन साइंड बिट्स को हम अलग से प्रोसेस कर लेंगे, उसको हम मल्टीप्लीकेशन में शामिल नहीं करेंगे। तो हम देखें हमारे पास जो मल्टीप्लीकेशन है वो इस तरह का होता है। मैं एक छोटा सा नंबर ले लेता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए 101 है और 110 है, इसको हमें सम करना है, तो जो हमारा रजिस्टर है वहीं पर तो हम इसके प्रोडक्ट को स्टोर करेंगे। ये जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो मान लीजिए हमारा क्या है, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 000, इनिशियली जीरो होगा, अब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 000, अब इसको सम करेंगे तो हमारा 000 आ गया। पहले स्टेज में सम होने के बाद अगर आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्चुअली में हमारा क्या कॉन्सेप्ट होता है, हम इसको इधर कर लिख देते हैं, लेकिन हम अब यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि रजिस्टर तो हमारा बदलेगा नहीं, रजिस्टर तो हमारा उसी जगह पर रहेगा, हमारा 111 यही आएगा, तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक राइट डायरेक्शन में शिफ्ट कर देंगे, राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे तो 00 और यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट का ये टर्म जो हमारा
आप लिखते हैं 0 0 0 और आप 1 1 1 लिखते हैं, तो ये 0 तो हमारा प्रोडक्ट आइटम हो गया, तो प्रोडक्ट आइटम हमारा ऐसे मिल गया सीधे सीधे। फिर इसके बाद इसमें अब ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 1 1, फिर एक बिट शिफ्ट कर देंगे, अरे 0 हमारा पहले से, तो 0 हमारा इधर आ गया और ये 1 शिफ्ट करेंगे तो ये 1 इधर आ जाएगा और यहाँ पर बचेगा 1 1, पीछे हमारा 0 रहेगा और फिर उसके बाद फिर आप इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो ये हमें मिलेगा 0 1 0 और 1 और यहाँ पर 1 0 इस तरह से, तो हमको 1 0 1 0 1 0 ऐसे मिल जाएगा आपको। मतलब हम क्या करें, हम जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में हम क्या दिखाते हैं, पार्शियल प्रोडक्ट्स को लेफ्ट इधर इस डायरेक्शन में शिफ्ट होते दिखाते हैं लेफ्ट डायरेक्शन में, लेकिन एक्चुअली में हमारा रजिस्टर तो उसी प्लेस पर रहेगा, तो हम इसी नंबर्स को शिफ्ट करते जाएं, बगल में एक और रजिस्टर हम यूज कर लें, तो ये जो नंबर्स हैं वो फाइनली स्टोर होते चले जाएंगे और आपको टोटल प्रोडक्ट लास्ट में मिल जाएगा। इसी चीज़ को यूज करके ऐड शिफ्ट मेथड हमारा मल्टीप्लीकेशन का डिजाइन किया जाता है। तो अगर इसके हम अल्गोरिदम को देखें तो हमारा जो मल्टीप्लीकेंड है उसको हम बी में ले लेते हैं, है ना, हमारे पास दो नंबर्स हैं जैसे 23 और 19 को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 19 हमारा मल्टीप्लायर है, ठीक है, और 23 हमारा मल्टीप्लीकेंड है, मल्टीप्लीकेंड है ना, ये हमारा होता है, तो मल्टीप्लीकेंड हो गया और मल्टीप्लायर हो गया। तो ये अब इसको भी ध्यान में रखना है कि जो हमारा बी रजिस्टर है उसके बराबर हम ए रजिस्टर ले लें जहाँ पर हमको रिजल्ट को स्टोर करना है, तो हमारा पूरा जो रिजल्ट स्टोर होगा वो केवल ए रजिस्टर में तो आएगा नहीं, क्योंकि ए तो आपका एक नंबर ऑफ रजिस्टर है जिसमें नंबर ऑफ बिट बी के बराबर होंगे, इसके अलावा हमें एक और रजिस्टर लेना पड़ेगा, ठीक है ना, तो वही जो मल्टीप्लायर रजिस्टर है उसी को हम क्यू कह रहे हैं। तो अगर मान लीजिए 5 बिट का ये नंबर है और 4 बिट का ये नंबर है, तो टोटल रिजल्ट भी 9 बिट में ही आएगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ आपको, जैसे यहाँ पर आपने 4 4 बिट के दो नंबर्स लिए थे, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कैरी बिट को लेकर P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 8 बिट का आएगा, तो मतलब दोनों के सम के बराबर आएगा रिजल्ट आपको, है ना, ये क्लियर है। तो अगर 5 बिट का एक नंबर है और 4 बिट का एक नंबर है तो कुल 9 बिट में आपका रिजल्ट आएगा, तो आप इन्हीं दोनों रजिस्टर्स को यूज कर लेंगे, क्लियर है। तो हम आप रजिस्टर कौन से रजिस्टर्स को यूज करेंगे, एक रजिस्टर जिसमें हमारा इनिशियल प्रोडक्ट 0 है, मान लीजिए वो ए है, तब एल्गोरिदम क्या है इसका, बी हमारा एक रजिस्टर ले लेंगे जिसमें मल्टीप्लीकेंड हमारा आएगा, है ना, मल्टीप्लीकेंड ये हमारा मल्टीप्लीकेंड n बिट का मान लीजिए है, तो ए एक रजिस्टर हम ले लेंगे जिसमें जीरोज हम n बिट जीरोज ले लेंगे, है ना, जो मल्टीप्लीकेंड में जितने नंबर ऑफ बिट्स हैं उतने नंबर ऑफ बिट्स जीरो के ले लेंगे। क्यू हमारा मल्टीप्लायर है, ये जो हमारा मल्टीप्लायर क्यू में रखा हुआ है वो जितने भी बिट का होगा उसी के आधार पर हम सिक्वेंस काउंटर डिफाइन कर लेंगे। सिक्वेंस काउंटर में नंबर ऑफ बिट्स कितने होंगे, उतने ही बिट्स, सिक्वेंस काउंटर की वैल्यू क्या होगी, जो नंबर ऑफ बिट्स इन क्यू रजिस्टर, मान लीजिए क्यू रजिस्टर में नंबर ऑफ बिट्स 5 है, तो सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू ही 5 हो जाएगी, है ना। अच्छा अब जरा चेक करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन हमारा कब होगा, जब हमारा 1 होगा, यहाँ पर 1 आएगा, है ना, तब तो आप एक एडिशन परफॉर्म हो तब तो समझ में आता है, अगर 0 ही होगा तो एडिशन परफॉर्म करने की जरूरत क्या है, क्योंकि 0 ऐड होने पर कुछ आएगा नहीं, आप सीधे उसको राइट डायरेक्शन में शिफ्ट कर दीजिए। इसीलिए अगर क्यू एन की वैल्यू 1 आएगी तब तो हम ए में ए प्लस बी कर देंगे, है ना, और ए प्लस बी करने के बाद उसको हम राइट डायरेक्शन में शिफ्ट कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे 0, है ना, एक तो हमारा ये है। लेकिन अगर हमारा 0 ही है, क्यू की वैल्यू अगर हमारी 0 है, क्यू लेफ्ट राइट मोस्ट बिट, है ना, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसमें हम कोई एडिशन नहीं करेंगे बल्कि सारे बिट्स को सीधे सीधे 0 डायरेक्ट, मतलब 0 इंसर्ट करते हुए राइट डायरेक्शन में शिफ्ट कर देंगे। दोनों में से जो भी होगा Q1 की वैल्यू, कोई एक प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू हमारी 1 डिक्रीमेंट हो जाएगी। सीक्वेंस काउंटर ये बता रहा है कि कितनी बार ये प्रोसेस होना है हमारा, है ना, और इस प्रोसेस को हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू 0 ना हो जाए। एक बार सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारा AQ जो रजिस्टर है, इस AQ रजिस्टर में जो भी डेटा हमारा है, दैट इज योर मल्टीप्लीकेशन, और साइन बिट को भी हम स्टोर करेंगे। साइन बिट हमारा कैसे मिलेगा, वो हम 2 बिट्स को जॉर करने पर हम फाइंड करेंगे। अच्छा इसको भी अभी हम समझाते हैं। मान लीजिए पहले नंबर का साइन बिट हमारा 1 है और दूसरे नंबर का साइन बिट 0 है, इसका मतलब पहला नंबर नेगेटिव है और दूसरा नंबर पॉजिटिव है, है ना, तो 1 और 0 का जॉर आप करेंगे तो आपको आंसर इसका 1 मिलेगा, मतलब नेगेटिव, और आपको पता भी है ना नेगेटिव और पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो हम क्या कर देंगे, हम दोनों साइन बिट्स का जॉर कर देंगे और जॉर के बाद जो आउटपुट आएगा दैट विल बी द फाइनल साइन बिट। इसके आधार पर अगर हम हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन को देखें
पहले फ्लो चार्ट को देख लेते हैं। इसके आधार पर अगर हम फ्लो चार्ट को समझने जाएं तो फ्लो चार्ट हमारा क्या होगा कि हमने मल्टीप्लिकेंट को बी में ले लिया, मल्टीप्लायर को क्यू में ले लिया, और ए की वैल्यू हमने जीरो रखी जिसमें नंबर ऑफ बिट्स बी के बराबर है, और जो साइन बिट है रिजल्ट का वो जो दोनों नंबर है उनके साइन बिट्स के जोर के बराबर मिलेगा। ये भी बात हो गई। सिक्वेंस काउंटर नंबर ऑफ बिट्स इन क्यू के बराबर ले लेंगे और ए की वैल्यू इनिशियली जीरो ले लेंगे। इतनी सारी बात हम लोग करेंगे, है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर क्यू एन की वैल्यू हमारी जीरो या वन आ रही तो जीरो आएगी तब तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन वन आएगी तो ए प्लस बी परफॉर्म करेंगे जैसे बात हुई थी। और उसके बाद फिर इस पूरे ऑपरेशन के बाद सिक्वेंस काउंटर एक कम हो जाएगा हमारा, है ना, एक वैल्यू कम हो जाएगी। चेक करेंगे सिक्वेंस काउंटर जीरो हुआ नहीं, फिर से यही ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक कि सिक्वेंस काउंटर जीरो ना हो जाए। जिस मोमेंट पर सिक्वेंस काउंटर जीरो हो गया प्रोडक्ट ए क्यू में है हमारा, है ना, और जो हमारा साइन बिट है वो ए एस में प्रेजेंट है। इसके आधार पर हार्डवेयर डिजाइन किया गया है, जो हमारा दोनों हमारे मल्टीप्लायर है और मल्टीप्लिकेंड है, है ना, मल्टीप्लिकेंट हमारा बी रजिस्टर में और मल्टीप्लायर क्यू रजिस्टर में है। इन दोनों के साइन बिट्स का जोर कर लेंगे तो फाइनल रिजल्ट आपका ए में स्टोर हो रहा है, ए क्यू में ए एस आपको मिल जाएगा। एक तो ये हो गया हमारा। दूसरा ये है कि जब हम राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे डेटा को तो जो क्यू एन की वैल्यू होगी, है ना, वो क्यू एन की वैल्यू हमारी उसको मोड कंट्रोल डिटेक्ट करता रहेगा और उसके आधार पर ये देखेगा कि अब कौन सा मल्टीप्लाई, क्यू एन की वैल्यू जीरो हो सकती है, वन भी हो सकती है। क्यू रजिस्टर मान लीजिए 101110 है, है ना, और जब आपने राइट शिफ्ट किया तो ये जीरो खत्म हो गया, अब क्यू एन की नई वैल्यू आ गई वन, तो वन के आधार पर फिर किस तरह का ऑपरेशन करना है। तो आपको पता है जब क्यू एन की वैल्यू वन होगी तो एडिशन होगा, तो एडिशन के लिए पैरेलल एडर चाहिए, टूज कॉम्प्लीमेंटर की जरूरत इसमें पड़ती नहीं, लेकिन चूंकि हमारा जो पैरेलल एडर टूज कॉम्प्लीमेंटर है, एडर सबट्रैक्टर एक साथ डिजाइन किया जाता है, इसलिए दोनों एक साथ रहेंगे ही रहेंगे, है ना। अच्छा, इसके अलावा हमारा बी रजिस्टर का डेटा और ए रजिस्टर का डेटा हमारा रहेगा जिनको आपस में ऐड करना रहता है या तो सीधे सीधे शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट के लिए यहाँ पर एरो दिखाई दे रहा है कि ई ए क्यू इनको राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे, तो ई की वैल्यू जो भी आएगी उसको भी शिफ्ट करेंगे राइट डायरेक्शन में, है ना। ओके, इतनी बात हमारे यहाँ पर है। तो अब इसमें हम हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन के बाद अगर हम किसी न्यूमेरिकल की बात करें तो इस न्यूमेरिकल को हम समझ लेते हैं, फिर एक न्यूमेरिकल हम करके आपको दिखाएंगे। मान लीजिए 23 और 19 हमारे दो नंबर है, है ना, तो मल्टीप्लिकेंट हमारा 23 है, इसकी वैल्यू ये होगी बाइनरी में 10111। डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन के लिए आप हमारे शुरू के नंबर सिस्टम के वीडियोस को देखिए, जहां से आपको पूरी जानकारी इसमें मिल जाएगी, है ना। तो 10111 हमें मिल गया। ए की वैल्यू नंबर ऑफ बी बिट्स के बराबर, 5 बिट का आपने ए ले लिया जिसमें सारे बिट्स जीरो हैं। मल्टीप्लायर 19 है, उसकी वैल्यू 10111 आई हमारी। सिक्वेंस काउंटर आपने 5 ले लिया, है ना। तो ये इस तरह से आप इसको डिजाइन कर लेते हैं। यहाँ पर सारे प्रोसीजर्स लिखने हैं जो हमारे परफॉर्म होंगे वन बाई वन। यहाँ पर हमने ई ले लिया, ए ले लिया और क्यू ले लिया, तीन रजिस्टर्स ले लिए। ई की इनिशियल वैल्यू जीरो रहेगी हमारी, बात की हुई थी हमने, ठीक है। ए की वैल्यू इनिशियली 0000 ये आपने ले लिया। क्यू की वैल्यू, क्यू आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 19, 10011। ये जो हमारा 1 है यही आप यहाँ भी दिखा रहे हैं क्यू एन, सो दैट कि आपको ये पता चले कि ये क्यू एन की वैल्यू एक्चुअली में है क्या। तो जो वैल्यू यहाँ पर होगी वही यहाँ लिख लेंगे, है ना। इस चीज़ को हमें समझना है, मतलब ये इसी क्यू रजिस्टर का पार्ट है, एल एस बी है उसका, है ना, क्यू रजिस्टर का एल एस बी क्यू एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, तो आप यहाँ पर देखिए, तो आप एल्गोरिदम को ध्यान में रखते हुए एक एक करेंगे। तो क्यू एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 है। तो जब 1 होगा तो हमें क्या करना है, ई ए में ए प्लस बी करना है। तो ए प्लस बी करिए, तो बी की वैल्यू क्या है, 10111 है, है ना। तो 10111 को आपने ऐड कर दिया तो हमें मिल गया 10111। फिर हम क्या करेंगे, राइट डायरेक्शन में शिफ्ट कर देंगे ई ए क्यू को, यहाँ जीरो को इंसर्ट करते हो। तो जीरो इंसर्ट किया आपने, ठीक है। अब ये वाला जीरो हमारा यहाँ आ गया, ये वन हमारा इधर आ गया, ये जीरो इधर आ गया, ये वन 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 इधर आ गया, ये जीरो इधर आ गया, ये जीरो इधर आ गया, ये वन इधर आ गया और ये वन इधर आ गया, ठीक है। ये वन डिस्कार्ड हो गया, सॉरी, ये वन डिस्कार्ड हो गया, और यही वाला जो वन है इसी को आपने यहाँ लिखना है ना। तो ये वन हो गया हमारा, ठीक है। और सिक्वेंस काउंटर की वैल्यू एक कम कर देंगे तो अभी 5 थी, 5 से ये 4 हो गए। 5 मतलब बाइनरी में लिखा है ये 101, ये 1004 हो गया। अब क्यू एन की वैल्यू फिर 1 है, क्यू एन की वैल्यू 1, ये इज इक्वल टू ए प्लस बी हमें करना है। ए प्लस बी आप करिए तो 1 + 1 = 0, एक कैरी गया, कैरी गया तो 1 + 1 और एक कैरी 1, तीन बार हो गया तो 1 आ गया आंसर।
वन प्लस वन प्लस वन ये थ्री देगा ना, तो थ्री का मतलब वन वन, ये वन यहाँ आ गया और कैरी वन आगे गया, तो वन प्लस वन जीरो, एक कैरी आगे गया, वन प्लस वन जीरो, एक कैरी आगे गया, वन प्लस वन जीरो और एक कैरी यहाँ पर जनरेट हो गया, ठीक है ना। ये कैरी हमारा यहाँ पर जनरेट हो गया ई, ये हमारी ए की वैल्यू हो गई और ये हमारी क्यू की वैल्यू हो गई। अब राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे तो ये वन हमारा यहाँ पहुंच जाएगा, ऐसे ये जीरो, फिर ये जीरो, फिर ये जीरो, फिर ये वन, फिर ये जीरो, फिर ये वन, फिर ये वन, फिर ये जीरो, फिर ये जीरो और ये वन डिस्कार्ड हो जाएगा। तब लास्ट बिट पर हमारा क्या है, जीरो है, तो वही जीरो हमारा यहाँ भी हो जाएगा। इस मोमेंट पर सिक्वेंस काउंटर की वैल्यू फिर एक कम कर देंगे थ्री। अब क्यू एन की वैल्यू जीरो है, मैंने क्या बताया था, क्यू एन की वैल्यू जीरो होगी तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, केवल शिफ्ट कर देंगे। बहुत अच्छा है, तो राइट शिफ्ट कर दीजिए, तो यहाँ जीरो इंसर्ट करिए, ये जीरो यहाँ आ गया, ये वन यहाँ आ गया, ये जीरो यहाँ, ये जीरो यहाँ, ये जीरो यहाँ, ये वन यहाँ, ये जीरो यहाँ, ये वन यहाँ, ये वन यहाँ, ये जीरो यहाँ, ये जीरो यहाँ, सॉरी ये जीरो हमारा नहीं होगा, ये जीरो हमारा डिस्कार्ड हो गया, ये जो जीरो लास्ट में आया है यही आपका यहाँ भी हो गया। तो अब क्यू एन की वैल्यू फिर जीरो हो गई, सिक्वेंस काउंटर एक कम कर दीजिएगा, टू आ जाएगा। क्यू एन की वैल्यू जीरो हो गई, राइट डायरेक्शन में फिर से शिफ्ट कर दीजिए, ये जीरो है। अब ये जीरो आपने यहाँ किया, इस जीरो को यहाँ, ये वन यहाँ, ये जीरो यहाँ, ये जीरो यहाँ, ये जीरो यहाँ, ये वन यहाँ, ये जीरो यहाँ, ये वन यहाँ, ये वन यहाँ, ठीक है, और ये जीरो डिस्कार्ड हो जाएगा, तो यही जो वन है यही वन हमारे यहाँ हो जाएगा। क्यू एन की वैल्यू, अच्छा सिक्वेंस काउंटर को एक फिर कम कर दीजिए, वन बचा, अभी जीरो नहीं हुआ, अभी कार्यक्रम चलता रहेगा। क्यू एन की वैल्यू वन हो गई, इस कंडीशन में ई ए की वैल्यू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी करेंगे तो वन जीरो वन 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 आपने ऐड किया तो ये हमारा वन आ गया, यहाँ भी वन आ गया। अब ये देखो वन प्लस वन जीरो, एक कैरी आ गया, ये वन आ गया, फिर वन आ गया और कैरी जीरो बना रहेगा, है ना। और इधर आपका जीरो वन जीरो वन वन ये तो था ही, है ना। आप इसको फिर से राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करिए, ये जीरो रहेगा, ये जीरो यहाँ आ गया, ये वन यहाँ आ गया, ये वन यहाँ आ गया, ये जीरो यहाँ आ गया, ये वन यहाँ आ गया, ये वन यहाँ आ गया, ये जीरो यहाँ आ गया, ये वन यहाँ, ये जीरो यहाँ, ये वन यहाँ और ये लास्ट वाला वन डिस्कार्ड हो जाएगा। तो आपका जो रिजल्ट है वो इतने में है, है ना, ये रिजल्ट है हमारा। तो रिजल्ट की वैल्यू को अगर आप देखेंगे, दिस इज वन वन जीरो वन वन जीरो वन जीरो वन, इसको सॉल्व करिए तो हम इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आप बताओ। ये हमको मिल जाएगी एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, मतलब टू पावर एट प्लस टू पावर सेवन प्लस टू पावर फाइव प्लस टू पावर फोर प्लस फाइव, ये फाइव है ना। तो ये 2 पावर 8 का मतलब हो गया आपका 256 प्लस 128 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 5, इसको आप ऐड करिए तो 6 5 11 2 13 13 8 8 3 11 21 21 6 27 2 बचा 2 1 3 3 6 2 8 5 13 13 है ना, और 1 बचा तो एक और एक दो और दो चार 437, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 437 बेस 10। मल्टीप्लाई करके देखें आ रहा है कि नहीं, तो इसको 23 और 19 को मल्टीप्लाई करके देखें तो 93 जाए 27, 92 जाए 18 प्लस 2 20 है ना, और इसको करो तो 23 आ गया, इसको सम करिए तो 734 437। तो इस तरह से आप देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। रिजल्ट का साइन क्या होगा, प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों ही नंबर्स पॉजिटिव थे, एक 23 था एक 19 था। ऐसे माइनस 11 और 10 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू कैन सी, है ना, आप इसको एक एक करके बहुत आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। देखिए आप इनिशियलाइज करिए, माइनस 11 को क्या लिखेंगे, 11 को आप क्या लिखेंगे, 1011, तो 4 बिट का आपने ए ले लिया, 0000। क्यू आपका क्या है, 101010 और इसका सिक्वेंस काउंटर कितना हो गया, 4 हो गया, क्योंकि क्यू में 4 बिट्स हैं हमारे, ठीक है। अच्छा नंबर, पहला नंबर का साइन बिट है माइनस तो 1 हो गया, दूसरे नंबर का साइन बिट है 0, तो 1 और 0 का आपका जोर करेंगे तो 1 आएगा, मतलब रिजल्ट आपका नेगेटिव होगा, क्लियर है। और 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आना चाहिए, सो रिजल्ट शुड बी -110। चलो इनिशियलाइज करते हैं, ई की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 0000, क्यू की वैल्यू 1011, क्यू की वैल्यू 1010, है ना ये। अच्छा तो ये हमारा क्यू एन की वैल्यू जीरो है, जो यहाँ का बिट है वही यहाँ भी हो जाएगा जीरो। अब हम क्या करें, क्यू एन हमारा जीरो आया हुआ है तो राइट डायरेक्शन में सीधे शिफ्ट करा दो, तो राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करा देंगे तो क्या मिल जाएगा, ये जीरो यहाँ रहेगा, ये जीरो हमारा यहाँ आ गया, ये जीरो इधर, ये जीरो इधर, ये जीरो इधर और ये वाला जीरो यहाँ पहुंच जाएगा, फिर वन, फिर जीरो, फिर वन और लास्ट वाला जीरो आपका डिस्कार्ड हो जाएगा।
अब ये वन जो है वही क्यू एन की वैल्यू है, क्यू एन की वैल्यू हमारी वन आ गई, तो हमें ई ए में ए प्लस बी करना है। ए प्लस बी करेंगे तो प्लस 1011, इसको ऐड कर दीजिए तो 1011 आ गया। फिर इसको आप राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, ये जीरो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ये जीरो यहाँ आ जाएगा, ये वन यहाँ, ये जीरो यहाँ, ये वन यहाँ, ये वन यहाँ, जीरो वन जीरो, और ये वन डिस्कार्ड हो जाएगा। तो ये जीरो जो हमारा आया है क्या बता रहा है, क्यू एन की वैल्यू जीरो है, मतलब केवल राइट डायरेक्शन में शिफ्ट कर दो। तो ये हमारा जीरो इंसर्ट किया यहाँ पर, और ये जीरो हमारा यहाँ, ये जीरो यहाँ, ये वन यहाँ, ये जीरो यहाँ, ये वन यहाँ, ये वन यहाँ, ये जीरो यहाँ, ये वन यहाँ, और ये जीरो हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। तो ये जो वन है ये हमारा क्यू एन की वैल्यू है। हर जगह जहाँ जहाँ राइट शिफ्ट किया वहाँ पर सिक्वेंस काउंटर भी बदलेगा। सिक्वेंस काउंटर पहले फोर था, फिर थ्री हो गया, फिर टू हो गया, फिर वन हो गया, अभी एक स्टेप और चलेगा। क्यू एन की वैल्यू हमारी क्या है, वन है यहाँ पर, है ना। तो ए प्लस बी कर देंगे तो आप 1011 को आप ऐड कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, वन, या वन प्लस वन जीरो, फिर वन, और ये लास्ट में वन, है ना, और ये की वैल्यू जीरो। और ये हमारा था ही, राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करा दीजिए तो जीरो आपने इंसर्ट कर दिया, ये जीरो यहाँ, वन वन जीरो, वन 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 जीरो, और ये वन डिस्कार्ड हो जाएगा। ये आपका फाइनल रिजल्ट हुआ। अब इसको भी जरा देख लें, वन वन जीरो, वन 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 जीरो, है ना, ये हमारा। तो ये वैल्यू एक दो तीन चार पाँच छः, मतलब टू पावर सिक्स प्लस टू पावर फाइव प्लस ये हमारा क्या है, आठ चार बारह और दो चौदह, फोर्टीन। इसको आप 64 प्लस 32 इसको आप लिखेंगे तो ये हो गया 696, है ना, ये आ गया हमारा। और इसमें आप 14 को ऐड कर दीजिए, सो विल गेट 0 और 11, यस दिस इज माइनस 110, सो दिस इज द आंसर। इस तरह से आप करेंगे। तीसरा जो हमारा है बूथ एल्गोरिथम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज होता है। तो इसका अगर हम एल्गोरिथम देखने जाएं तो ये हमारा एल्गोरिथम होता है, सीधे सीधे एल्गोरिथम की बात करते हैं। देखो जो आप वहां पर बी रजिस्टर हम लेते थे, यहाँ पर बी आर कर देंगे उसको, है ना। वहां पर ए रजिस्टर था, इसको हम ए सी यहाँ पर लिखेंगे। वहां पर क्यू था, यहाँ पर हम क्यू आर लिखेंगे। बस इतना ही अंतर है, बाकी आपका एल्गोरिथम में डिफरेंस है उसको तो हम देखेंगे ही। एक हम यहाँ पर एक्स्ट्रा बिट लेंगे, क्यू एन प्लस वन, इसकी वैल्यू जीरो होगी हमारी, है ना, इनिशियली जीरो होगी। और सिक्वेंस काउंटर की वैल्यू हम ले लेंगे, जितने क्यू में नंबर ऑफ बिट्स होंगे वो मल्टीप्लायर हमारा क्यू आर में स्टोर होगा और मल्टीप्लिकेंट हमारा बी आर में स्टोर होगा, जैसा कि पिछले एल्गोरिथम में हमने देखा था। और ए सी हमारा, जैसे ए रजिस्टर वहां पर होता था, यहाँ पर ए सी लिया, बी में जितने नंबर ऑफ बिट्स हैं उतने नंबर ऑफ जीरोज हम ए में निचली ले लेंगे ए सी में। तो हमारा जो अब यहाँ पर एक तो क्यू रजिस्टर है हमारा, तो क्यू रजिस्टर का जो एल एस बी है वो क्यू एन है हमारा, और एक क्यू एन प्लस वन आपने अलग से दिया हुआ है, है ना। इन दोनों को कंपेयर करके उसके आधार पर हमें डिसाइड करेंगे कि हमारा कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है, ठीक है। तो क्यू एन की वैल्यू अगर 00 या 11 हो गए, मतलब दोनों बिट्स अगर सेम है, ऐसी कंडीशन में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, और उसके बाद हम राइट डायरेक्शन में शिफ्ट कर देंगे बाय रिस्टोरिंग फर्स्ट बिट। अगर क्यू एन प्लस वन की वैल्यू 01 है, मतलब इसकी वैल्यू 0 है और इसकी वैल्यू 1 है, तो ए सी में ए सी प्लस बी आर कर देंगे, ए और बी का एडिशन होगा, उसके बाद हम राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे बाय रिस्टोरिंग फर्स्ट बिट। अगर क्यू एन प्लस वन की वैल्यू 10 होगी, ऐसी कंडीशन में आप ए सी माइनस बी आर करेंगे, मतलब ए सी में टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आर कर देंगे। तो ये साइंड बिट मल्टीप्लीकेशन होता है बूथ एल्गोरिथम, याद रखिए, है ना। तो साइंड बिट मल्टीप्लीकेशन का मतलब आपको जो मल्टीप्लीकेशन करना है वो साइंड बिट के अकॉर्डिंग करना है, क्लियर है। जब ये ऑपरेशन हो जाएगा यहाँ तक, तो सिक्वेंस काउंटर की वैल्यू एक कम कर देंगे, और ये तब तक करते रहेंगे जब तक कि सिक्वेंस काउंटर की वैल्यू हमारी जीरो ना हो जाए। और सिक्वेंस काउंटर की वैल्यू जैसे ही जीरो हो जाएगी, उसके साइन बिट को चेक करेंगे जो रिजल्ट आया है। अगर रिजल्ट का साइन बिट हमारा जीरो आया हुआ है, ऐसी कंडीशन में आपका पॉजिटिव रिजल्ट है, आपको कुछ करना नहीं है। लेकिन अगर रिजल्ट का साइन बिट नेगेटिव आया है, मतलब वन आया है, तो ये नेगेटिव नंबर है, तो आप जो भी रिजल्ट आया है ए सी क्यू आर में, जो भी डेटा है, उसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे और माइनस साइन के साथ रिजल्ट को डिस्प्ले करेंगे। वही एल्गोरिथम जब को फ्लो चार्ट में जब आप लिखते हैं तो इस तरह से लिखा जाता है कि बी आर रजिस्टर में आपने मल्टीप्लिकेंट को रखा, क्यू आर में मल्टीप्लायर, ए रजिस्टर में आपने नंबर ऑफ बिट्स सारे जीरो ले लिए और नंबर ऑफ बिट्स बी के बराबर होंगे। क्यू एन प्लस वन एक रजिस्टर लिया जिसमें जीरो आपने इनिशियली रखा हुआ है, सिक्वेंस काउंटर की वैल्यू नंबर ऑफ बिट्स इन क्यू के बराबर रख लिया। अब क्यू एन प्लस वन की वैल्यू अगर 00 या 11 आएगी तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, लेकिन अगर 01 आएगी तो ए सी प्लस बी आर होगा, 10 आएगी तो ए सी माइनस बी आर होगा। इसके
जस्ट बाद हम अर्थमेटिक शिफ्ट ऑपरेशन करेंगे। अर्थमेटिक राइट शिफ्ट का मतलब हम राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे बाय रिस्टोरिंग फर्स्ट बिट। उसके तुरंत बाद सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू एक डिक्रीमेंट हो जाएगी। अब सीक्वेंस काउंटर को चेक करते चलिए, अगर सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू नॉन जीरो है तो प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहेगा, लेकिन अगर सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू जीरो हो गई तो क्या हो जाएगा, आपका साइन बिट चेक किया जाएगा। अगर साइन बिट हमारा वन आया हुआ है तो पूरे रिजल्ट का टूज कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे और फिर रिजल्ट को SDQR में स्टोर कर देंगे। अगर साइन बिट हमारा जीरो आया हुआ है जैसा कि एल्गोरिदम में भी देख रहे थे, तो आपको कोई चेंज नहीं करना है, रिजल्ट आपका पॉजिटिव है और SDQR में आपका पहले से अवेलेबल है। इसके हार्डवेयर की अगर हम बात करें तो इसमें हमें एक और रजिस्टर लेना पड़ेगा QN+1। QN हमारा QR का आपका LSB है ही, है ना, पहले से, ठीक है। तो ये हमारा ये दोनों बिट मोड कंट्रोल को देंगे, उसके आधार पर ये डिसाइड करेगा कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना है, मतलब प्लस होना है माइनस होना है, ठीक है। और साइन बिट अलग से हम नहीं ले रहे हैं, साइन बिट आपका BR और AC रजिस्टर्स में पहले से इनबिल्ट है, ठीक है। उसी के आधार पर ये सारे ऑपरेशन हमारे परफॉर्म होंगे। सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू जब जीरो हो जाएगी तो मोड कंट्रोल इन सारे ऑपरेशन को स्टॉप कर देगा और SDBR में जो हमारा रिजल्ट स्टोर्ड होगा वो हमें फाइनली मिल जाएगा। तो अभी देखिए इसको हम एक न्यूमेरिकल की सहायता से करते हैं। मान लीजिए -11×9 हम कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर -11×9 जब हम करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो यहाँ पर BR की वैल्यू है वो क्या है, हमारी BR की वैल्यू हमारी है -11। BR की वैल्यू है -11। तो अब इसको जरा समझना है, -11 की वैल्यू आए कैसे। तो अगर BR हमारा, क्योंकि हम ऐसे लिखते हैं -11×9 ऐसे लिख रहे हैं, तो ये हमारा BR है और ये हमारा QR है। तो ये BR की वैल्यू -11 हुई, तो -BR की वैल्यू क्या हो जाएगी, +11 हो जाएगी। +11 को आप लिखेंगे 1011 और इसके पहले एक साइन बिट के लिए आप जीरो लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि +11 है हमारा, 11 एक पॉजिटिव नंबर है, तो जीरो हमारा साइन बिट में यहाँ आ जाएगा। अब तो BR क्या होगा, BR तो हमारा -11 है, मतलब टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 11। 11 का टूज कॉम्प्लीमेंट इस जीरो बिट को लेकर करेंगे, तो यहाँ पर अब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करिए तो 10100+1, तो आपका ये आ गया, इसको 10101 ये हमको मिलेगा BR की वैल्यू, ये -11 की वैल्यू है ना। तो BR हमको मिल गया और -BR हमको मिला हुआ है, ये दोनों हमने, और AC की वैल्यू हमारी कितनी, AC की वैल्यू हमने क्या ले लिया, BR में 5 बिट हम ले रहे हैं तो AC में भी हमारे 5 बिट होंगे। और मल्टीप्लायर हमारा कितने बिट का होगा, मल्टीप्लायर हमारा क्या है 9 को लिखेंगे 1001 और एक बिट आप ले लेंगे साइन के लिए, तो 0101 है ना, ऐसा हमको मिल जाएगा। सीक्वेंस काउंटर भी हमारा QR में जो नंबर ऑफ बिट हम ले रहे हैं उसके बराबर लेंगे 5, और QN+1 की वैल्यू इनिशियली हम लोग क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, है ना। इतनी बात हमको यहाँ पर करनी थी। तो हमारा अब क्या हो जाएगा, इसमें जो फॉर्मेट होगा AC QR और QN+1, तो QR का जो QN है वो ये है और QN+1 हम अलग से ले रहे हैं, उसकी वैल्यू इनिशियली 0 है। तो आप इनिशियलाइज करिए, तो AC की वैल्यू 0000 आपने रख दिया, QR की वैल्यू आपने क्या रख दिया, QR की वैल्यू है ये 01001 ये हमको मिला, और QN+1 की वैल्यू इनिशियली 0 रखा, और सीक्वेंस काउंटर 5 है अभी 101। अब हम क्या करेंगे, QN+1 की वैल्यू को चेक करिए, दिस इज व्हाट, दिस इज 10, देखो 1 है और ये 0 है, 10 है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, 10 के केस में AC-BR करेंगे, है ना, ये देखो फ्लो चार्ट, AC-BR करेंगे जब 10 हमारा आएगा, तो AC-BR करिए इसको, AC-BR किया तो -BR को आप प्लस करेंगे, मतलब कुल मिलाकर ये है, तो -BR की वैल्यू है 01011 ये है, है ना, ये आप 01011 को आप ऐड कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा 1101 और 0, और ये बिट्स हमारे पहले से अवेलेबल है 01001 और QN+1 की वैल्यू 0 है। अब आप इसको AC QR QN+1 इन तीनों को मिलाकर राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करिए बाय रिस्टोरिंग फर्स्ट बिट। अर्थमेटिक का मतलब बाय रिस्टोरिंग फर्स्ट बिट। तो पहला बिट 0 को आपने वैसे ही लिखा और 0 को आपने बगल में शिफ्ट किया, फिर 1 को बगल में, फिर 0 को बगल में, 1 को बगल में, 1 को बगल में, 0 को बगल में, 1 को बगल में, 1 0 0, और ये 1 यहाँ आ जाएगा Q1+1 में, है ना, और ये वाला जो 0 था ये डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा ये क्या आ गया, ये देखो 0 आ गया और ये हमारा 1 हो गया, है ना। तो अब यहाँ पर सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू एक कम कर दो, अब QN Q1+1 की वैल्यू हमारी 01 आ गई, तो 01 में AC+BR का वैल्यू क्या है, प्लस BR नीचे है, ये वाला प्लस BR की वैल्यू है 10101, तो 10101 को ऐड कर दीजिए। अब इसको ऐड करिए, 1+1 0,
ये वन आ गया, वन प्लस वन जीरो आ गया, फिर वन आ गया और फिर वन आ गया, ठीक है ना, वन वन जीरो वन जीरो। अच्छा, और ये हमारे पास पहले से वैल्यू इतनी सारी पड़ी हुई है। अब हम इसको राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे बाय रिस्टोरिंग फर्स्ट बिट। पहले बिट को आपने रिस्टोर किया वन, और इसको शिफ्ट भी करेंगे तो बगल में आएगा, फिर ये वाला वन यहाँ आएगा, जीरो यहाँ आएगा, 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 और ये जीरो यहाँ आ गया, और ये वाला वन डिस्कार्ड हो जाएगा। अच्छा, अभी हमारा जीरो हो गया, अभी जीरो जीरो हो गया। जीरो जीरो के केस में कोई ऑपरेशन परफॉर्म होना है क्या? नहीं। अच्छा, यहाँ सिक्वेंस काउंटर तीन आ गया, ये भी याद रखना। तो जीरो जीरो हो गया, तो आप सीधे अर्थमेटिक राइट शिफ्ट कर दीजिए। तो अर्थमेटिक राइट शिफ्ट करेंगे बाय रिस्टोरिंग फर्स्ट बिट वन, इसी वन को बगल में, इस वन को यहाँ, इस वन को यहाँ, ये जीरो यहाँ, ये वन यहाँ, ये जीरो यहाँ, ये वन यहाँ, ये जीरो यहाँ, ये वन यहाँ, ये जीरो यहाँ, और ये वाला जीरो डिस्कार्ड हो जाएगा। फिर सिक्वेंस काउंटर को एक कम कर दीजिए, हर राइट शिफ्ट के बाद सिक्वेंस काउंटर की वैल्यू एक कम हो जाएगी। अब ये टू आ गया, अब फिर क्या मिला हमको, यहाँ पर देखो क्यू वन की वैल्यू वन है और क्यू वन प्लस वन की वैल्यू जीरो है, तो वन जीरो आ गया। वन जीरो में ए सी माइनस बी आर करेंगे, ए सी माइनस बी आर मतलब माइनस बी आर की वैल्यू है जीरो वन जीरो वन वन, इसको ऐड कर दीजिए, तभी हमारा क्या हो गया वन, वन प्लस वन जीरो जीरो, फिर यहाँ पर वन आ जाएगा और ये हमारा जीरो आ गया, और एक कैरी यहाँ आएगा वन, इसको डिस्कार्ड कर देंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमने कोई रजिस्टर कैरी को स्टोर करने के लिए नहीं रखा हुआ है, ये याद रखना है आपको। तो ये हमको मिल गया जीरो वन जीरो जीरो वन, और यहाँ पर ये हमारा पहले से बिट अवेलेबल था, ये पहले से बिट अवेलेबल था। अब हम क्या करेंगे, राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करा देंगे रिस्टोरिंग फर्स्ट बिट। तो पहला बिट अभी जीरो है, तो जीरो यहाँ और जीरो यहाँ भी आ गया, फिर ये वन आ गया, फिर जीरो आ गया, फिर जीरो आ गया, फिर वन आ गया, फिर वन आ गया, फिर जीरो आ गया, फिर वन आ गया, फिर जीरो आ गया, फिर वन आ गया, और ये इसको डिस्कार्ड कर देंगे, है ना। अच्छा, अब हमारा क्या आ गया, ये जीरो आ गया और ये वन आ गया, ओके। सीक्वेंस काउंटर को एक कम कर दीजिए, तो जीरो वन के केस में ए सी प्लस बी आर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ए प्लस बी आर की वैल्यू है वन जीरो वन जीरो वन, वन जीरो वन जीरो वन को ऐड कर दीजिए, तो वन आ गया, यहाँ जीरो आ गया, ये वन प्लस वन जीरो आ गया, फिर ये वन आ गया और ये वन आ गया, इतना आ गया हमारा। और यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या है, वन वन जीरो वन जीरो पहले से है, ये वन है। अब क्या करेंगे, हम राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करा देंगे। तो पहला वन आपने रिस्टोर किया, इसी वन को बगल में ले गए, ये वन इधर आ गया, ये जीरो जीरो, ये वन, ये जीरो, ये वन, ये वन, ये जीरो, ये वन, और ये जीरो यहाँ पहुँच गया, और ये वन डिस्कार्ड हो गया। तो आपका जो रिजल्ट है वो ए सी क्यू आर में है, है ना, आपका जो रिजल्ट है पूरा वो कहाँ है, ए सी क्यू आर में। तो इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो देखो एक दो, अच्छा एक चीज़ और, तो पहला बिट इसको पहले समझ लीजिए। तो पहला बिट हमारा क्या है, नेगेटिव है, वन है, पहला बिट हमारा वन है, इसका मतलब ये कौन सा नंबर है, नेगेटिव नंबर है। तो आप ए सी क्यू आर में जो भी डेटा है उसका टूज कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो इस पूरे नंबर का वन 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 जीरो जीरो वन 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 जीरो वन, इस पूरे नंबर का आप टूज कॉम्प्लीमेंट करिए। तो पहले वंस कॉम्प्लीमेंट इसका करेंगे तो हमको मिल जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ जीरो 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 वन वन जीरो 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 वन जीरो, और इसमें वन ऐड कर देंगे तो यहाँ पर वन वन हो जाएगा, है ना। तो यही आपको मिला है यहाँ पर, इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक दो तीन चार पाँच छः, सिक्स का मतलब क्या हो गया, 64 प्लस 32 मतलब इसको ऐड करेंगे तो 96 आएगा, और लास्ट में वन वन का मतलब 3 99। अब देखो 11 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 99 आएगा, है ना। तो ये नेगेटिव, क्योंकि साइन बिट आपका 1 था इसलिए नेगेटिव रिजल्ट है, तो इसका आंसर क्या हो गया, माइनस 99 हो गया। सो यू कैन डू ऑल द क्वेश्चंस लाइक दिस, इस तरह से आप करिएगा। यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं, तीन मेथड इसमें डिस्कस किए गए हैं, है ना, इन तीनों मेथड पर आप अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। और अगर दोनों ही नेगेटिव नंबर होंगे, ये भी याद रख लीजिए, जैसे अगला क्वेश्चन है ये, मान लीजिए यहाँ पर माइनस 9 हो गया आपका, है ना, तो बस कुछ नहीं करेंगे, क्यू आर जो आपका होगा वो टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 9 होगा, है ना, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 9। तो 9 हमारा है 01001, एक बिट आप साइन बिट जरूर लेकर चलिएगा, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये 10111 आ जाएगा, और यहाँ क्यू आर की जगह 10111 रख लेंगे। आप फाइनली सॉल्व करेंगे, चूंकि दोनों ही नेगेटिव नंबर हैं, इसका रिजल्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर जीरो बिट आएगा, जीरो बिट का मतलब ये पॉजिटिव नंबर है, और इसको आप सॉल्व करेंगे 1100011, है ना, ये वो पुराना वाला रिजल्ट ही है जो पिछली बार आया था, 1100011 टूज कॉम्प्लीमेंट के बाद, अब वो सीधे सीधे आ रहा है, मतलब ये आपका पॉजिटिव 99 नंबर है। तो आप इसको सॉल्व करिएगा, ये पूरा सोल्यूशन आपके सामने है, है ना, इसको करिए। कोई समस्या होती है तो आप वीडियो लिंक में जाकर वहाँ पर चैनल जो भी कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में आप अपने
क्वेरीज को रखिएगा। इसके अलावा आप सजेशन भी दीजिएगा, और कोई अगर आपके पास कोई ऐसी ये आपको वीडियो अगर पसंद आ जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आप लोगों को बताएं भी ताकि और लोग भी सब्सक्राइब करें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। चलिए यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं, अगले वीडियो के साथ हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।